विदिशा जिले के कुरवई में पंचायत सचिव संगठन और रोजगार सहायक संगठन हड़ताल पर चले गए। कलम बंद हड़ताल के चलते दोनों ही संगठन तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। पिछले दिनों पंचायत सचिव के साथ घटित हुई घटना के आरोपी पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। 3 अक्टूबर को दोनों ही संगठनों ने ज्ञापन दिया था। पंचायत कर्मियों के हड़ताल पर जाने से दिन भर ग्रामीण अंचल से आने वाले हितग्राही परेशान होते रहे। पंचायत कर्मियों का कहना है कि जब तक आरोपी पर कार्यवाही नहीं होती है तब तक हड़ताल और धरना जारी रहेगा। विदिशा कुरवाई से आशीष सहले की रिपोर्ट। समर्थन है सचिव संगठन तो किस लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे बड़े भाई सचिव संघ के अध्यक्ष भाई साहब रामचंद्र चक्रवर्ती के साथ जो घटना हुई कांकर में उसके पूर्व में सचिव एवं सहायक सचिव दोनों यदि उनको न्याय नहीं मिलता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जब तक दोषी पर 353 की कायम नहीं। आज गाँव ठप है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारी मांग पूरी हो तो हम हड़ताल से वापस जाएंगे। प्रशासन को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि सचिव एवं सहायक सचिव ग्रामीण स्तर पर शासन की योजनाओं को जनता के लिए ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन करता है और यदि इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ करती रहीं तो हम कहां से सेफ रहेंगे। हमारे बाल बच्चे भी हैं घर पर, कोई भी व्यक्ति आकर शासकीय कार्य में बाधा डालता और शासन उस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम मजबूरी है कि हम लोगों को हड़ताल पर जाना। 3/10/2020 को और 1/10/2020 को ग्राम खरिया के दारू सिंह यादव कुछ दमंग साथियों द्वारा मेरे घर पर आकर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में हमने SDM महोदय, SDOP मैडम और CO मैडम को ज्ञापन दिया था और तुरंत कार्रवाई के लिए मांग की थी कि गैर जमानती धाराएं कायम कर उन लोगों के प्रति कार्रवाई की जाए ताकि हम लोग कर्मचारी सुरक्षित रहें। दोनों संगठनों ने TRS संघ और सचिव संगठन ने मगर आज दिनांक 8/10/2020 तक वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण दबंग खुले घूम रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज सचिव संगठन कुरवाई एवं रोजगार सहायक संगठन कुरवाई द्वारा निर्णय लिया है कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं और आज से हम SDM महोदय और SDOP महोदय और कलेक्टर महोदय SP महोदय को सूचना देकर और दोनों संगठन हड़ताल पर बैठ गए हैं कुरवाई कैंपस में। इस संबंध में आपने SDM महोदय एवं CO मैडम को जो बताया है तो उनका क्या कहना है? उनने कहा हमने लिखित में कार्रवाई कर दी या पुलिस कार्रवाई करेगी। मान 6 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए मजबूरी में हमें हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल अनिश्चितकालीन है जब तक उन दबंगों को पुलिस पकड़कर गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेगी और 353 धारा नहीं लगाएगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।